नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेपेप न्यूज में। दोस्तों, धारा 370 तो खत्म हो गई और अब इसे लेकर जो लोग खुश हैं वो जश्न मना रहे हैं, जो लोग नाराज हैं वो अपने अपने तरीके से इस पर नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तबका ऐसा भी है जिनकी नजर जम्मू कश्मीर की गोरी लड़कियों पर है। जी हाँ, ये लोग इस बात को लेकर खासे उत्साहित हैं। कौन है ये लोग वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तीन तस्वीरें जिससे आपको धारा 370 को लेकर देश के मूड का अंदाजा हो जाएगा। पहली तस्वीर ये है जिसमें भारत को ही फांसी पर लटकाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जो लोग इस तस्वीर का समर्थन करते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि घाटी से हाल के दिनों में जिस तरीके की पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती रही उसे देखकर ये उम्मीद करना बेमानी है। दूसरा तबका है जो इसमें भगवा की जीत तलाश रहा है और जश्न मना रहा है, जबकि तीसरी तस्वीर उस तीसरे तबके को दिखाती है जो इस तरह की भारत की बात करता है जिसमें देश धर्म से ऊपर है, जो उस देश की बात करता है जिसमें अटल के साथ साथ कलाम की भी बात होती है। और अब बात उन लोगों की जिनकी नजर जम्मू कश्मीर की गोरी लड़कियों पर है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो इसकी तैयारी एक लंबे अरसे से चलती रही और अब एक ऐसी ही तैयारी में जुटी है बीजेपी। और हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जो आजकल एक बार फिर जम्मू में है, लोगों के बीच हैं, मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों की आशंकाएं और क्या है सरकार से उनकी आशाएं। क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि सरकार के लिए असली चुनौती तब होगी जब जम्मू कश्मीर से सुरक्षा हटाई जाएगी और ये कोशिश अगले लेवल पर सफलता हासिल करने की है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही जिगर वाले नेताओं से भरी बीजेपी में कुछ एक मछलियां ऐसी भी हैं जो बीजेपी के इस तालाब को या कहें देश के इस तालाब को गंदा करती हैं। बीजेपी के ये एक विधायक है, नाम है विक्रम सैनी। इनकी काबिलियत का पता नहीं, पर इन्होंने अब अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है जो सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अब तो नेशनल मीडिया में भी हेडलाइन बनी हुई है। सैनी ने धारा 370 का समर्थन करते हुए उत्साह में एक विवादित बयान दे दिया है। सैनी ने कहा है कि अब देश के मुसलमानों को खुश होना चाहिए क्योंकि अब उन्हें मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर की गोरी लड़कियों से शादी करने का। सैनी का पूरा बयान सुनिए। मोदी जी ने हम सभी के सपनों को साकार किया है। बीजेपी के जो भी कुमारे नेता हैं वे अब कश्मीर जाकर शादी कर सकते हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को तो खुश होना चाहिए कि अब वो गोरी कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सड़क पर झंडा लेकर ही उतरें, वो आपके आचरण में छोटे से छोटे आचरण में भी दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में इस बीजेपी के नेता को स्मृति ईरानी के उस अपील से सबक लेना चाहिए जहां पर स्मृति ईरानी ने सुषमा स्वराज की मौत के बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि अगर वो सुषमा स्वराज को सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो देश की महिलाओं का सम्मान करें और उनके उत्थान के लिए काम करें। लेकिन दोस्तों, इनकी दूषित मानसिकता साफ तौर पर ये दिखाती है कि देश की महिलाएं या लड़कियां इनके लिए क्या मायने रखती हैं। वैसे रखे भी क्यों ना, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ ही बीजेपी के एक और नेता हैं उन्नाव से, नाम है सेंगर। सेंगर साहब विवादों में रहे, लगातार उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया, रेप करने के बाद में उसे जान से मारने की कोशिश की, उसके तमाम परिवार वालों को जान से मारा, ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रही, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया जिसके बाद बीजेपी ने इन साहब को अपनी पार्टी से बाहर निकाला। और अब ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने जो अपनी जाँच की है उस जाँच में उसने कोर्ट को बताया है कि सेंगर पर जो आरोप लगे हैं रेप के वो उन्होंने किए थे। ऐसे में दोस्तों, जरूरी है कि मोदी और शाह की इस पार्टी बीजेपी को सीख लेनी चाहिए साउथ इंडिया के उस शो से जिसका नाम है बिग बॉस। इस शो की एंकरिंग करते हैं कमल हसन। इस शो में कमल हसन एक कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछते हैं और सवाल के जवाब में कंटेस्टेंट मजाक मजाक में ही इस बात को कबूल कर लेता है कि अपने जवानी के दिनों में उसने बसों में चढ़कर कई लड़कियों को दबोचा और उन्हें मॉलेस्ट किया। हालांकि इसके इस एडमिशन पर शो में स्टूडियो में बैठी तमाम ऑडियंस जो है वो काफी तेज हंसती है, जो मानसिकता बताती है समाज की। लेकिन बिग बॉस को जैसे ही इस बारे में पता चला, बिग बॉस ने तुरंत इस कंटेस्टेंट को शो से बाहर निकालकर फेंक दिया, जिसके बाद बिग बॉस के इस संस्करण ने महिला सुरक्षा के मामले में जिसकी तमाम बड़े बड़े लोग बात करते हैं मिसाल जरूर कायम की है। ऐसे में बिग बॉस से ही सबक लेते हुए बीजेपी के आला कमान में बैठे तमाम नेताओं को भी ये समझना होगा कि देश की हर बेटी कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज ही है। जब सुषमा स्वराज विदेश में बैठे तमाम भारतीयों की मदद कर सकती है तो फिर देश में बीजेपी तमाम लड़कियों को अपनी पार्टी के ही दानवों से क्यों नहीं बचा सकती।
ये एक सवाल है जिसके बारे में बीजेपी को सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो वहाँ रहने वाले तमाम लोग, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की महिलाएं भी हमारे अपने हैं, जो अजीत डोभाल की तमाम कोशिशों में साफ तौर पर झलकता है। जरूरत है तो साथ देने की। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज HFF न्यूज़ को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें।